देखिए पांचना बांध से हम लाइव हैं, आपको दिखा रहे हैं पांचना बांध का दृश्य। बांध अपनी भराव क्षमता पे आ गया, पूर्ण भराव क्षमता पे है बांध। सीधे आप लाइव देख सकते हैं जी न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से। और 257.5 सेंटीमीटर के लगभग भर चुका है बांध। ये बीच पांचना बांध से हम आपको सीधा लाइव दिखा रहे हैं, लाइव कवरेज। पांचना बांध का पानी नदी में घुलना चाहिए, पहले ही घुलना चाहिए क्योंकि बांध भर चुका है, तो अभी खुलना चाहिए या फिर बाद में खुलना चाहिए इसका भी हमें बताएं, क्योंकि नदी क्षेत्र के जो भरतपुर तक के जो गांव हैं उनको भी पांचना का बांध के पानी का इंतज़ार है। उनको भी काफ़ी फोन आते रहते हैं हमारे पास में, भरतपुर क्षेत्र के केवलव देव के अभ्यारण के साइड के लोगों का। देखिए पांचना बांध का विहंगम दृश्य। कौन आ गए मछुआरे? ये देखिए, आप कुछ कहना चाहें, सुझाव देना चाहें कि पांचना बांध का पानी कितना जल्दी खुलना चाहिए? ये पूरा अभी भर गया लब लब एकदम पांचना बांध। ये सीधा आप विहंगम दृश्य देख सकते हैं जी न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से। और ये देखिए पांचना बांध बीचों बीच में हम खड़े हुए हैं। भरतपुर तक की जीवन रेखा कहे जाने वाला पांचना बांध, केवला देव में भी इसका पानी जाता है, तो ये खुलने से नदी क्षेत्र के जो गांव हैं उनमें भी पानी जाना चाहिए। रवि प्रकाश मीणा जी कह रहे बिल्कुल, कुछ पानी तो नदी में छोड़ना ही चाहिए। बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि पांचना हमेशा भरा रहे और बहता हुआ इसको बनाया जाए, नदी को चंबल का जो पानी है उसको लिफ्ट करके पांचना में डाला जाए। ये देखिए हम बीचों बीच बांध के खड़े हुए हैं, यहाँ पर आपको हम लाइव भी दिखाते हैं और आप हमेशा देखते रहते हो कि पांचना बांध हमारे चैनल के माध्यम से। ये देखिए लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक करें। पांचना बांध की आपको सैर दिखाई जा रही है सीधी जी न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से। पांचना बांध अगर पानी इतना फुल भर जाएगा तो अभी 258.20 सेंटीमीटर पर ये पांचना बांध की फुल भराव क्षमता है, और 258.20 पर इस पे खोला जाता है इसको। तो अभी खोल दें या फिर बाद में खोला जाए, क्योंकि नदी क्षेत्र में काफ़ी जो सड़कें हैं निकट है, एकदम खोलने से बांध के गेट खोलने से ज़्यादा नुकसान हो जाता है, तबाही हो जाती है। पिछली बार जो कटकड़ और मैड़ी के बीच में जो सवाई माधोपुर और करौली की सीम बनाते हुए जो पुल है वो क्षतिग्रस्त हो गया था काफ़ी, उससे काफ़ी परेशानी आई थी। और गंगापुर सिटी से हिंडौन सिटी को जाने वाली बसें और यातायात परिवहन बाधित हो गया था। आप हमें सुझाव दें। सर मेरा कमेंट नहीं देख रहे हो, जे एम जी बोलिए, JSMG बोलिए सर, पानी निकलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, पानी निकलना ही चाहिए सर, पानी निकलना ही। ये है जी न्यूज़ पोर्टल पे सीधी लाइव तस्वीर है, हम आपको दिखा रहे हैं पांचना बांध की। JSM जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद आपको बहुत, आपने हमें कमेंट किया। ये देखिए पहाड़ी के ऊपर जो माता का मंदिर है वो सीधा दिखा रहे हैं हम। ये देखिए काफी कैमरे के नज़र से बाहर है, थोड़ा दूर ज़्यादा है। लाइक शेयर कमेंट के
कीजिए। यहाँ पर पांच नदियों के संगम पर पांचना बांध बना हुआ है, इसमें भद्रावती और अटाकी, बरखेड़ा, पांचना बांध में आके गिरती हैं पांच नदियां, भैंसावट। भद्रावती, माची, अट्टा, भैंसावट, बरखेड़ा, पांचना तो डैम है। जो कल तू चावल तेल कर ले तो लाया परसों। ये आप ही करो नेता जी। ये देखिए नदी क्षेत्र काफी यहाँ अच्छा शांत माहौल है और बहुत अच्छा यहाँ पर नजारा दिख रहा है। तो जाली बना रहा तू, बना ले जाली में तेरी, तो मैं तो अभी से बांध में ही हूँ, जब आ रहा हूँ आगे बनता हूँ। कहाँ से निकाल देना चाहिए, धन्यवाद आपको। बांध में हूँ अभी से मैं, समझ में नहीं आ रहा है। राफिक खान, हाँ बटू खान, राफिक अरे खान, सीख रही बट्टू है तेरे, जाली लग रही खान, है सब्जी क्या बाग कह में, रहे हैं आप? देख रही दोबारा है, देख कमेंट लिखें एक बार। रही है सब्जी निकाल के तेरे, दे, जाली नीचे है निकाल के। अरे लिखा ये पता नहीं क्या है ना। ये देखिए जी न्यूज़ पोर्टल पर सीधा लाइव, लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक करते जावे किसी इसको। की तरफ है गेट वैसा, ये पहाड़ी दिख रही है ना सामने, हाँ ये पहाड़ी तो यह साइड में, अच्छा वो पीली सी बिल्डिंग दिख रही है, नहीं चल रहा क्या थोड़ा और? इधर तो गांव में पीरी सी मंदिर पीछे है, एक साइड आओ मंदिर बोले, पीछे मंदिर आए किसके है, उधर जाना पीछे बाबा जाना, बाबा पीछे चले जाओ। ये बात हो यहाँ से बगल में ये मंदिर अच्छा, उनसे खड़ा हो जाएगा पीछे से। ऊंची थी पंखड़ी, पंखड़ी ऊंची, फिर सब पीछे पानी निकालने की उम्मीद है क्या भैया? गुर सिंह मीना जी बिल्कुल उम्मीद बनी हुई है पानी निकालने की, अगर पानी ज़्यादा आ गया तो नदी में भी खोला जाएगा पानी, जिससे भरतपुर तक की जनता को काफ़ी फायदा मिलेगा। और यहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं आस पास को उनको भी फायदा मिलेगा, पानी निकलने की काफ़ी उम्मीद बनी हुई है। सर मैं शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करता हूँ, जैसे अच्छी बहुत धन्यवाद आपको, बहुत ज़्यादा ज़्यादा आप ज़्यादा शेयर करते हैं, देखते हैं हमारे लाइक कमेंटों को। जी न्यूज़ पोर्टल पर सीधी लाइव तस्वीर है पांचरा बांध से, ये हम आपको बीचों बीच दिखा रहे हैं बांध का दृश्य। पांचना बांध का पानी गुडला लिफ्ट परियोजना को भी मिलना चाहिए, गुडला के जो गांव हैं 13 और आसपास के जो गांव हैं उनको भी निकलना चाहिए। पानी निकालने की उम्मीद है क्या गेट खोलने की? अगर 258.20 क्षमता पूरी कर लेता है पांचना बांध, पानी की आवक हो जाती है, तो पांचना बांध के गेट बिल्कुल ज़रूर खोलेंगे। हमारे बात एक्शन साहब से हुई थी मोबाइल पर, AN से भी हुई है और JN साहब से भी हुई है, इससे काफ़ी आबो हवा घुमाव वाला मामला है ये। और पांचना जो बांध है इसका विहंगम दृश्य है, बीचों बीच का नज़ारा है पांचना बांध का, सीधा लाइव तस्वीर है पांचना बांध की। ये ले लो थोड़ा सा बगल में बीच में है, ये देखिए पांचना बांध का दृश्य सीधा। संध्या हो चुकी है, ऐसा लग रहा है प्रकृति यहीं आके ठहर गई हो। ओके भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, दूर सिंह जी कह रहे हैं। ये देखिए सामने माता अंजनी का मंदिर,
पांचना बांध का ये विहंगम दृश्य। लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक करें। और ये देखिए सामने माता अंजनी का ये मंदिर भी दिखा रहा है, दिख रहा है ये, ये देखिए जी न्यूज़ पोर्टल पे सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। आज हम करौली क्षेत्र के दौरे पे थे, पांचना बांध का हमने ये दृश्य आपको दिखाया है। ये देखिए लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक करें, धन्यवाद दोस्तों। और कोई सवाल हो किसी भाई के और किसी मित्र के किसी दर्शक के तो हमें सीधे बता सकता है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे और आपको भराव क्षमता भी दिखाई जाएगी पांचना बांध की। लाइक शेयर कमेंट्स अधिक से अधिक करें। हाय टेक चंद सैनी जी, पांचना बांध का ये दृश्य आपको दिखा रहे हैं हम। आप पानी की बोर्ड को एक बार बताएं कमेंट करें। पानी जो जल स्तर है वो बोर्ड काफी आगे है, यहाँ से 4 किलोमीटर आगे है पांचना बांध के, हम बीचों बीच में हैं। वहाँ हमने फोन पर जानकारी प्राप्त करी है और आप कहेंगे तो हम उधर जा भी सकते हैं अभी थोड़ी देर में, तो लाइव दिखाएंगे हम आपको वहीं से, सीधा लाइव दिखाएंगे हम आपको पांचना बांध का विहंगम दृश्य, बोर्ड का दृश्य भी। भोर सिंह मीना जी, गोपाल मीना जी कह रहे भाई साहब आज पानी निकासी हो सकता है क्या? 258.20 क्षमता हो जाएगी इसकी तो पानी निकासी हो जाएगा, अभी कम है, दोपहर में 258.5, अब पानी आ चुका होगा और अधिक भी, उसकी जानकारी लेके हम आपको बताएंगे अभी थोड़ी देर में। 58.5 हो गया था पहले, 258.5 हो गया था, 258.62 इसकी बराबर क्षमता, लेकिन 20 पे ही खोल देंगे इसको, 258.20 पे खोल देंगे, तो 258.5 और 258.05 हुई है। तभी तो मैं एक आज दिन में रात में बरसात नहीं हुई, नहीं तो अभी खुल जाता बांध। जानकारी आपकी नाव को बताया तो पानी में तैरती है, जानकारी आपकी नाव को उतने है तो अभी तो पानी थोड़ा ना आया, दो बाल्टी पानी और आ गया ये। यहाँ पे कुछ हमारे दोस्त भी बैठे हुए हैं जो पूछ रहे हैं पानी की भराव क्षमता के बारे में। वापस फिर एक ट्रप लाइन बन रही है, इस साल तो राशन ट्रप लाइन ही बनती रही मानसून में। अब जैसे 58.2 पे खोलते हैं मान लो, 20 पे 20.20 वो तो बुरी बात है, नहीं दो अलग है, नहीं 58.2 ही होता है वो, 20 नहीं होता, 58.2 ही होता है, नहीं नहीं सेंटीमीटर आता है ना, अभी तो 58.5 सेंटीमीटर तो पानी है, 0.5 है, अब जैसे खोलेंगे अब 20 पे आ जाएगा ना, 58.5 हो जाए मान लो खोलेंगे तो 20 से कमाते ही पानी की निकासी, अगर आज तो मुश्किल हो पाएगी, उस लेवल को मेंटेन रखते हैं, उस हिसाब से ज्यादा पानी आ रहा है गेट ज्यादा खोल देता हूं, क्योंकि 258.20 इसकी सेंटीमीटर ज्यादा अगर क्षमता होगी भराव तो खुल जाएगा पानी,
जीनूस पोर्टल पे अभी कोई कमेंट करना चाहता है और तो अभी हम लाइव को समाप्त करते हैं।